डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 5 के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर का मतलब है यायावर साम्राज्य, घुमंतु साम्राज्य। नोमैडिक एम्पायर चंगेज खान। द पीरियड कमिंग अंडर द 13 और 14 सेंचुरीज ऑक्यूपाई ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया। 13वीं और 14वीं शताब्दी का समय मध्य एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस सेंचुरीज दैट द मंगोल ऑफ सेंट्रल एशिया, यह इस शताब्दी के दौरान मध्य एशिया के जो मंगोल थे, एस्टेब्लिश ए ग्रेट एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान। उन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में एक महान साम्राज्य की स्थापना की, एक्सटेंडिंग यूरोप एंड एशिया, जो यूरोप और एशिया तक फैला हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट चैप्टर, इस वर्तमान चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य है इज टू मेक ए स्टडी ऑफ नोमैडिक एम्पायर, एक यायावर साम्राज्य का अध्ययन करना है, दैट इज मंगोल एम्पायर, जिसको हम मंगोल साम्राज्य कहते हैं। चंगेज खान लाइफ स्केच, चंगेज खान का जीवन परिचय। द अर्ली नेम ऑफ चंगेज खान वाज तैमुजीन। तैमुजीन का प्रारंभिक नाम, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तैमुजीन था। ही वॉज बोर्न अराउंड 1162 AD, वह 1162 में पैदा हुआ, नियर रिवर ओनान इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न मंगोलिया। वह आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनान नदी के पास पैदा हुआ 1162 में। द नेम ऑफ हिज फादर वॉज यसुजई, उसके पिता का नाम यसुजई था। ही वॉज द चीफ ऑफ क्यात ट्राइब, और वह क्यात कबीले का मुखिया था। यसुजई वॉज मर्डर्ड व्हेन तैमुजीन वॉज 9 years old, जब तैमुजीन केवल 9 वर्ष का था, तब यसुजई का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। हिज मदर नेम वॉज ओलेनिके, उसकी माँ का नाम ओलेनिके था। आफ्टर द डेथ ऑफ यसुजई, द लाइबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप तैमुजीन एंड हिज ब्रदर्स वॉज ऑन द शोल्डर्स ऑफ हिज मर्डर। यसुजई की मृत्यु के बाद तैमुजीन और उसके भाइयों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी माँ, जिसका नाम ओलेनिके था, उसके कंधों पर आ गई। द डिकेड ऑफ 1170s वॉज ए पीरियड ऑफ हार्डशिप एंड डिफिकल्टीज फॉर तैमुजीन। 1170 का दशक जो था, वो तैमुजीन के लिए कठिनाइयों और मुसीबतों का समय था। तैमुजीन वॉज वेरी ब्रेव फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, तैमुजीन अपने बचपन से ही बहुत बहादुर था। ही रिवाइव्ड हिज ओल्ड रिलेशंस विद तुगरिल ओं खान, हु वॉज द रियल ब्रदर ऑफ हिज फादर। उसने तुगरिल खान, जिसको ओं खान भी कहते थे, उसके साथ अपने प्राचीन संबंधों को जो है पुनर्जीवित किया, जो उसके पिता का रियल ब्रदर था, सगा भाई था। ग्रोथ इन पावर, तैमुजीन की शक्ति में वृद्धि। ग्रेजुअली द पावर ऑफ तैमुजीन स्टार्टेड ग्रोइंग, धीरे धीरे तैमुजीन की शक्ति बढ़ने लगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1180s एंड 1190s देर वर कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन तैमुजीन एंड तुगरिल ओं खान। 1180 और 1190 के बीच में, उसके बीच में और तुगरिल खान, जिसको ओं खान भी कहते थे, उसके बीच में जो रिलेशन से जो संबंध थे, वो बहुत मधुर थे, बहुत अच्छे संबंध थे। विद द हेल्प ऑफ तुगरिल खान ओं खान, तैमुजीन डिफीटेड ऑल हिज एनिमीज। ओं खान के सहायता से तैमुजीन ने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया। ही आल्सो अमेज्ड हिमसेल्फ विद पावरफुल तातार्स, उसने स्वयं शक्तिशाली तातारों से भी बदला लिया। द असेंस ऑफ हिज फादर, जो उसके पिता के हत्यारे थे। इन 1203 ही आल्सो डिफीटेड द ओं खान, 1203 ईस्वी में उसने ओं खान को भी हरा दिया। दस तैमुजीन बिकेम द मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेपी लैंड्स। इस प्रकार तैमुजीन जो है स्टेपी लैंड्स में, स्टेपी जो घास की भूमियाँ थी, उनमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभरा। ही वॉज डिक्लेयर्ड द ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स विद द टाइटल ऑफ
चंगेज खान। उसको महान खान की उपाधि दी गई। जो मंगोल थे उन्होंने चंगेज खान को, तैमूजिन को महान खान की उपाधि दी और बाद में उसको चंगेज खान कहा जाने लगा इन द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन्स। और ये जो उसको उपाधि दी गई थी वो मंगोल मुखियाओं की एक सभा में दी गई थी। द नेम ऑफ द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन्स वाज क्रुएलताई। और जो मंगोलों की सभा थी जिसमें मुखिया बैठते थे उसको क्रुएलताई कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि चंगेज खान ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी जिसे मंगोल साम्राज्य कहते हैं या यावर साम्राज्य कहते हैं। अब मैप में देखो कि यावर साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। देखो इस प्रकार ब्लैक सी यूरोप में जो है काले सागर से लेकर जो है चाइना तक पूरा एशिया में किस प्रकार मंगोल साम्राज्य का विस्तार था। मॉस्को, मंगोलिया, तूफान, चाइना, तिब्बत, ताशकंद, बुखारा, निशापुर, हेरात, पर्सिया, बगदाद, ये सारे के सारे जो हैं मंगोल साम्राज्य के भाग थे। अब आप मैप में देख सकते हो कि मंगोल साम्राज्य कितना विस्तृत था। और ये सभी जो है तैमूजिन, जिसको चंगेज खान भी कहते थे, उसके नेतृत्व में ये महान साम्राज्य की नींव रखी गई। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान की विजय। मुख्य रूप से चंगेज खान जो है वो चाइना को जीतना चाहता था। चंगेज खान वांटेड टू कॉन्कर चाइना। चंगेज खान चाइना को जीतना चाहता था। दैट टाइम चाइना वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। उस समय चाइना तीन भागों में बटा हुआ था, द नॉर्थ वेस्टर्न, द नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाग। द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय द सीसिया पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन। जो उत्तर पश्चिम भाग के प्रांत थे उन पर तिब्बतीय ओरिजिन के, यानी कि मूल रूप से जो तिब्बत के लोग थे जिनको सीसिया कहते थे, उनका शासन था। द चीन डायनेस्टीज ऑफ जरचेन पीपल रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। और चीन वंश जिस पर जरचेन लोग उत्तरी चाइना पर शासन करते थे। द साउथ चाइना वाज कंट्रोल्ड बाय द सुंग डायनेस्टी। और जो दक्षिणी चाइना था, चाइना का जो दक्षिण भाग था उस पर सुंग वंश का शासन था। चंगेज खान डिफीटेड द सीसिया पीपल इन 1209 एडी। चंगेज खान ने सीसिया लोगों को 1209 ईस्वी में हराया। ही ब्रेस्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन 1213 एडी। उसने चीन की महान दीवार पर भी 1213 ईस्वी में अतिक्रमण किया। ही सैक पीकिंग इन 1215 एडी। उसने पीकिंग पर भी आक्रमण किया 1215 ईस्वी में और उसमें लूटपाट की। द मंगोल रिमेन इन्वॉल्व इन द लॉन्ग ड्राउन बैटल्स अगेंस्ट द चाइनीज पीपल टिल 1234 एडी। इस प्रकार जो मंगोल थे वो 1234 ईस्वी तक के लंबे समय तक चीनी लोगों के साथ युद्ध में उलझे रहे। चंगेज खान वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ हिज कैंपेन। चंगेज खान अपने सैनिक अभियानों की उन्नति से पूरी तरह से संतुष्ट था। और जिस प्रकार उसके साथी अपने सैनिक अभियानों को अंजाम दे रहे थे और चाइना के भागों को जीत रहे थे, वह पूरी तरह से संतुष्ट था। सो ही लेफ्ट द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द रीजन टू ही सबॉर्डिनेट। इसलिए वह अपने सैनिक अभियानों को अपने अधीन लोगों के पास छोड़कर रिटर्न टू द मंगोलियन होमलैंड इन 1216 एडी। वह 1216 ईस्वी में मंगोल अपने घर वापस आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार चंगेज खान ने चीन को जीतने के लिए कितने सारे उसके भागों को जीत लिया और अपनी विजय से अच्छी तरह संतुष्ट हो गया।